उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस के बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए बनाए गए लैब की जानकारी हासिल की और कहा कि जांच की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 200 बेडों पर भी सुविधा उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संक्रमण से बचा जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए, जिससे बेहतर उपचार हो सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडी हेल्थ के अलावा सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, एसआईसी डॉक्टर एके सिंह, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। स्क्रीनिंग और ट्रायल्स एरिया होगा और जो प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ताकि जो हेल्थ केयर वर्कर है वो इन्फेक्ट ना हो और उससे इन्फेक्शन ना फैले। इसकी जो ट्रेनिंग आज होनी है, मैं समझता हूँ कि आप लोग आज आप यहाँ कर दी गई होगी या चल रही होगी। इसकी सूची जिन अस्पतालों के लोगों को आपने ट्रेन किया और उसके नाम के साथ कौन अस्पताल का कौन अधिकारी आया था, जिसको आपने प्रशिक्षण दिया है, वो आप उनको सूचित कर देंगे, ठीक है ना? या उनको बता देंगे कि कौन से अस्पताल का कौन सा अधिकारी ट्रेन किया गया। ये सूचना आज शाम में चाहिए होगी, कल उसको आज रात में संकलित करके फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास माननीय मंत्री के माध्यम से भेजेंगे कि इतने अस्पतालों में ये सब प्रशिक्षण दे दिया। उसके पश्चात ये है कि कल से यहाँ ये सुविधाएं प्रारंभ हो जानी चाहिए और उसमें एक ये भी प्रस्ताव बन रहा है कि जो हमारे आयुष्मान भारत से लिंक्ड अस्पताल हैं उनको सरकार कुछ और भी मदद मुहैया कराने की कोशिश करेगी। अभी इस पर विचार चल रहा है, तो हमने उसको जैसे ही वो निर्णय हो जाता है फिर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है इम्पोर्टेंट कि बहुत दिनों से हमारा जो इम्यूनाइजेशन का वर्क है वो हमारा रुका हुआ और उसके बारे में बाद में डॉक्टर नितेश चतुर्वेदी आप लोगों से विस्तार में बात करेंगे। कल उसका भी शासन जारी हो गया। हम लोग अपने बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के नहीं छोड़ सकते, लॉकडाउन के कारण से बहुत दिनों से काम बंद है। अगर उनको हम छोड़े रखेंगे, वैक्सीनेशन नहीं होगा, तो फिर और दूसरे तरह का डिजीज आउटब्रेक शुरू हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अब इसको प्रारंभ किया जाए। तो शासन के आपको मिल गया होगा, अगर आपका हो जाना चाहिए। कल जो है आपके आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके जिलों में L1 जो अटैच था, पहले हम लोगों ने L1 अटैच करके रखी थी, उस टेस्ट को हम लोग L1 कोविड केयर सेंटर के नाम से हम लोगों ने नोटिफाई किया और तक बहुत सारे और L1 भी नोटिफाई किए गए हैं। तो जो बेड की संख्या थी वो कल जो आप लोगों ने दिया था 75, जो भी L1 है उसमें तो 15 ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉर्म रखा गया है। कल भी जो नोटिफाई हुए L1 उसमें 15 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएंगे। जो L1 कोविड केयर सेंटर है उनमें और बाद में फिर उनको हम हायर सेंटर पर हम ट्रांसपोर्ट कर सके, ले जा सके, ट्रांसफर कर सके। अगली बात यह वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया, आप टीम्स और फॉर्म कर लीजिए। जो आपके L1 के लिए आपने टीम फॉर्म किया था, डॉक्टर्स की और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की, आपने दो टीम फॉर्म की थी। आपको हमने तीसरी टीम के लिए हमने आपको पहले ही किया था कि आप तीसरी टीम भी फॉर्म कर लीजिए, क्योंकि अब 75 में से 60 जिलों में संक्रमण चला गया। पहले हम सोच रहे थे कि शायद 20-25 जिले में रहेगा तो दूसरे बगल के जिले से आपके यहाँ कोई टीम चली आएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि देवरिया से टीम जा करके बगल शहर में काम करें, वो पॉसिबल नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं टीम वन वाली से काम कर रही है, तो उसने एक फोर्टनाइट एक्टिव काम किया ड्यूटी की, एक्टिव क्वारंटाइन में रहे, सेकेंड फोर्टनाइट में फिर वो पैसिव क्वारंटाइन में गए। अब अगर आपके पास थर्ड टीम नहीं होगी
तो उसी टीम को टीम वन को फिर से एक्टिव क्वारंटाइन बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि वो टीम जो है उसके लोग कभी घर जाएंगे ही नहीं, तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए आपको एक थर्ड टीम बनानी पड़ेगी। जो टीम फर्स्ट है ये वैसे क्वारंटाइन के बाद अस्पताल की ड्यूटी पे आ जाएगी, तो वैसे भी हम बना लेते हैं। और थर्ड टीम जो है वो फिर वहाँ पर आपके एलेवन की ड्यूटी स्टार्ट करेगी, तो वहाँ पर ड्यूटी वो स्टार्ट करेगी। फिर जब इनका हो जाएगा, इन्होंने अपना अस्पताल की ड्यूटी कर ली, फिर वो फोर्थ क्वारंटाइन पर फिर से वो एक्टिव क्वारंटाइन में चले जाएंगे, फिर से वो चले जाएंगे। इसके अलावा जो है आप जो बाकी के आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं, स्टाफ हैं, आप उनके भी टीम्स बनाकर रख लेंगे, उनका भी आप टीम का फॉर्मेशन कर लेंगे। केवल टीम नहीं बल्कि आप और टीम फॉर्म कर लेंगे। जो आपका एलेवन कोविड केयर सेंटर है, एलेवन अटैच्ड जो आप समझते हैं, एलेवन कोविड केयर सेंटर जो है उसके लिए जो टीम है उसमें आप एक मेडिकल ऑफिसर के अलावा, दो मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आप एक मेडिकल ऑफिसर और एक आयुष का डॉक्टर भी रख सकते हैं। तो आपको एलेवन के हिसाब से भी कई टीम बना लीजिए और जो आपका कोविड केयर सेंटर है उसके हिसाब से भी आप कोविड केयर सेंटर का तो गाइडलाइन है कि उसके भी कोविड केयर सेंटर आप चलाएंगे तो यही चलेगा। एक फोर्टनाइट दूसरा फोर्टनाइट पैसिव फोर्टनाइट तीसरा फोर्टनाइट वो फिर अपने अस्पताल की ड्यूटी वगैरह में है। फिर कंफ्यूजन भी खड़ा होने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? पॉजिटिव